नहीं तो पढ़ाई कराएगी तो तेरे को मार दूंगा, तेरा बेटा को मार दूंगा, नहीं तो उसको मार दूंगा। और अच्छा शादी कराएगी तो वो लड़का को मार दूंगा, ना तो तेरी बेटी को मार दूंगा। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देखे हैं, ये वीडियो में एक लड़के चिल्ला चिल्ला के पत्रकार से कह रही है कि मेरी बुआ को किस तरह बेहरमी से उसके घर से अगवा किया गया और किस तरह उसकी हत्या कर दी गई। और भारत में पिछले सिलसिलेवार तरीके से पिछले एक हफ्ते से रोज कहीं ना कहीं हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। और यहीं पर अभी कोलकाता में पिछले हफ्ते से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ के एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घिनौना हरकत किया एक व्यक्ति ने, जिसका गुस्सा पूरे देश भर में है। और तभी एक घटना और घटती है, तो आज की वारदात में इसी घटना के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में पारू थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है लालू छपरा। वहीं पर एक नया मोहल्ला है गोपालपुर, जिसको नया टोला भी कभी कोई कोई कहता है। वहीं पर एक छात्रा रहती थी जिसकी उम्र 14 साल है और कक्षा 9 में पढ़ती थी। और उसी गांव में एक दबंग किस्म का आदमी भी रहता था, जिसका नाम संजय यादव है, जिसकी उम्र तकरीबन 41-42 साल थी। दो शादी कर चुका था, 3 बच्चे भी थे, लेकिन उसकी नज़र इस छात्रा पर थी और आए दिन उससे और उसकी माँ से उसका हाथ मांगा करता था। कहीं भी उसको देखकर रास्ते में उससे शादी का फरमान सुनाता था और कहता था, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आए दिन उसको माँ को भी धमकियाँ देता रहता था कि अगर तुमने अपनी बेटी का शादी कहीं और किया तो उसको होने वाले दूल्हे या फिर तुम्हारी बेटी को मैं जान से मार दूंगा। इसके चलते उसकी माँ बहुत टेंशन रहती थी प्रीता की। और जो छात्रा थी वो रोज़ स्कूल जाती थी आती थी और आकर अपनी माँ को ये सारी कहानी भी बताती थी। बेचारे दलित थे और गरीब थे, इनका कोई सहारा नहीं था। गांव में उसके खिलाफ उस दबंग व्यक्ति संजय यादव के खिलाफ भी कोई नहीं जाता था। लेकिन अगस्त में एक घटना घटती है। 10 अगस्त 2024 को पीड़िता अपने माँ के साथ अपने घर में सो रही थी। घर क्या था, एक माड़ी एक टाटी था। अंदर वो उसकी माँ और उसकी एक विधवा बहन सो रही थी, बाहर उसका एक भाई और पिता सो रहे थे। आधी रात में तकरीबन 1-2 बजे करीब वही दबंग आदमी संजय यादव अपने 4 साथियों के साथ अंदर आता है, टाटी तोड़ तोड़कर और उस छात्रा को अगवा कर लेता है। जब इसकी आवाज़ उसकी माँ को पहुँचती तो माँ से कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुमको अंजाम हम मैं बताऊंगा। क्योंकि उस लड़की को कहीं से लड़के वाले देखने आ रहे थे, जिसकी खबर संजय यादव को लग गई थी। और संजय यादव जाते वक्त कहा कि इसका हम रेप करेंगे और ऐसा घिनौनी सजा देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। वो लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही वो लोग बाइक से आए थे, 3 बाइक से, और बाइक पे बैठकर उस छात्रा को लेकर भाग जाते हैं। गांव में भर में हल्ला होता है कि आखिर कौन था वो, कौन था। पता चला कि वो तो संजय यादव था और फलाने की बेटी को लेकर भाग गया। सुबह का टाइम था, उसी गांव में एक पोखर था। तारीख थी 11 अगस्त 2024। एक अधनंग अवस्था में एक लाश मिलती है, लोग दौड़ के जाते हैं तो पता चलता है ये तो लाश उसी पीड़िता की थी जो पिछले रात किडनैप हुई थी। आखिरकार पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस और बाकी टीम जब पोखरे से उस लाश को निकालते हैं तो लोग देखकर दंग रह जाते हैं। उसके शरीर पर तकरीबन 50 जख्म के निशान थे, जो किसी धारीदार हथियार के लगते थे। उसके गुप्त अंग में भी खून बह रहा था, वहाँ भी तकरीबन 10 या 12 घाव वहाँ पर थे। एक खुरपी आती है, गांव में लोग खुरपी जानते होंगे, उसी खुरपी से जिसे आमतौर पर घास काटा जाता है जानवरों के लिए, उसी खुरपी से उसका दोनों स्तन भी काटा गया था और खुरपी से उसका गला भी काटा गया था और शरीर पर और भी बाकी निशान थे। कुल मिलाकर 50 निशान थे। आखिरकार तुरंत पुलिस उस गांव में धारा 144 लगाती है, क्योंकि जो गांव वाले बहुत उग्र हो गए थे। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए और लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम
करा कराई लाश को उसके घर वालों को दे दिया जाता है और उसी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाता है, संजय राय, संजय यादव के खिलाफ। संजय यादव घर से फरार था। जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी हैं राकेश कुमार भी मौके पर पहुंचते हैं। तमाम मीडिया और दलित संगठन, भीम आर्मी और तमाम पार्टी के नेता भी छोटे मोटे पहुंचते हैं और एक पूरे गांव में उग्र प्रदर्शन होता है और उसके घर पर भी हमला होता है संजय यादव के। और संजय यादव के कहा जा रहा है कि उसके घर पे बुलडोजर भी प्रशासन चलाया। और एसएसपी साहब ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कह सकते हैं उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन लाश की हालत देखकर कोई अंधा व्यक्ति भी कह सकता है कि इसके साथ वो घिनौनी हरकत हुआ है जो निर्भया के साथ भी नहीं हुआ था 2012 में, जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। पीड़िता के तमाम आसपास के लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम लोकल मीडिया, यूट्यूबर पहुंचे हैं, मामले को कवर कर रहे हैं और अभी भी आज 18-19 तारीख हो गई और उस आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, संजय यादव को, जो फरार चल रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन बिहार में सरकार में है और कोलकाता पे सभी नेता मुंह खोले थे, यहाँ तक कि दलित नेता चिराग पासवान भी, लेकिन मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ है लालू छपरा गांव में, उसके खिलाफ अभी भी किसी नेता ने मुंह नहीं खोला है। तमाम छोटे इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया जो प्रभारी हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं कि किस तरह एक नाबालिग लड़की को कानून का डर ही नहीं, ऐसा बदमाश अपने साथ उठा ले जाता है, अपने साथियों के साथ उसके साथ घिनौना हरकत करती है और उसको ऐसा 50 जख्म थे दोस्तों उसके शरीर पर, मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता, लेकिन अभी भी तमाम लोग रोते गाते हैं। FIR दर्ज कर ली गई है और अभी तक उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो दोस्तों, तमाम सोशल मीडिया से लेकर या बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, बंगाल में पुरजोर से आवाज़ उठा रहे हैं, उठानी भी चाहिए क्योंकि ऐसे हरकत लगातार कहीं ना कहीं रोज़ हो रही है और वही भारत का लचर कानून की वजह से कोई जमानत मिल जा रहा है, कोई को बस 5 या 6 साल सजा मिल रही है, उसके बाद 1-2 साल लगे जमानत भी, वो भी बाहर आ जा रही है। इसके खिलाफ एक सख्त सख्त कानून बना है लेकिन कानून को कोई लागू नहीं करता है। उस पर जो फांसी है, फांसी को अगर मिल जाती 2-3 लोगों को तो हो सकता है इस मामले में थोड़ी जरूर रोकथाम हो सकती है। फिलहाल दोस्तों, अभी तक वीडियो बनाते वक्त भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके खिलाफ बिहार में से लेकर पूरे तमाम सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई जा रही है और मैं भी सोचा आपको ये जानकारी जाननी चाहिए क्योंकि एक छोटी जानकारी है और अभी तक ट्विटर पर और थोड़ा सा फेसबुक पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस तरह बिहार में विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है उस आरोपी को पकड़ने के लिए, या यादव सरनेम की वजह से या फिर उस किसी बड़े नेता का कोई खास आदमी हो, कारण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन अभी भी उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता तो इस दुनिया में नहीं है, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी और किस तरह एक दबंग व्यक्ति को कानून का भी डर नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर जब तक फांसी नहीं होगी ऐसे लोगों की, तब तक ऐसी हरकतें रोज होती रहेंगी। अगर आप इसके बारे में कुछ दोस्तों जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ।